PR यानी पब्लिक रिलेशन एजेंसी की शुरुआत कैसे करें? आजकल अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लोग तरह तरह की मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब किसी प्रोडक्ट या सर्विस को ये प्रचार प्रसार करना होता है। ये मार्केटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से की जाती है। व्यापारी अपना प्रोडक्ट अधिक से अधिक ग्राहकों को बेचकर मुनाफा कमाना चाहता है। अपने फायदे के लिए व्यापारी तरह तरह के लोगों को हायर करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग यानी प्रचार प्रसार कराता है। प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने अथवा किसी भी बिजनेस की तरक्की के लिए अनेक प्रकार के प्रचार माध्यम अपनाए जाते हैं। इनमें से कुछ ये हैं: समाचार पत्र में विज्ञापन, टीवी चैनलों में विज्ञापन, एफएम रेडियो में विज्ञापन, पंपलेट का वितरण, पोस्टर अभियान, वॉल पेंटिंग, बैनर होर्डिंग्स, ऑनलाइन वेबसाइट बनवाकर, सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर, सोशल मीडिया पर बिजनेस पेज बनाकर, व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर, इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल करके, सेलिब्रिटी से विज्ञापन करवाकर, कार्यक्रम की स्पॉन्सरशिप लेकर, कैनोपी लगाकर, वर्कशॉप या विचार गोष्ठी का आयोजन करके, PR एजेंसी से प्रचार करवाकर, प्रचार वाहन को शहर में घुमवाकर, या फिर वाहनों में अपने प्रोडक्ट के बारे में पोस्टर चिपकाकर। PR एजेंसी शुरू करने के खास टिप्स। कारोबार के हिसाब से PR एजेंसी का आइडिया बहुत अच्छा है। इस आइडिया में पूंजी कम और दिमाग ज्यादा लगता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें फायदा ही फायदा होता है। इसका कारण ये है कि आप किसी भी बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को उसके ग्राहकों को बेचने का काम करते हैं। आपके यूनिक आइडिया और प्रयासों से ये ग्राहक जल्द ही प्रभाव में आ जाते हैं और आप पर विश्वास कर लेते हैं। इसके बाद आपके क्लाइंट को लाभ होने लगता है। जब आपके क्लाइंट को लाभ होता है तो उसका हिस्सा PR एजेंसी को मिलता है, जो उसके हिस्से का लाभ होता है। अब आइए जानते हैं कि PR एजेंसी की व्यवसाय को शुरू करने के लिए कौन कौन से खास टिप्स अपनाने होते हैं। अपने बिजनेस की एक स्पष्ट योजना बनाएं। PR एजेंसी शुरू करने से पहले आपको अपने बिजनेस की एक स्पष्ट योजना बनानी चाहिए, क्योंकि इसी योजना पर उसके बिजनेस की सफलता टिकी होती है। इससे आपको आपके बिजनेस की खास खास बातों का पहले से पता चल जाता है और उसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे तो आपको सफलता मिलनी तय है। आपको योजना बनाते समय इन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको अपनी PR एजेंसी का एक अच्छा सा नाम चुनना होगा, जिसे आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़कर ब्रांड बना सकते हैं। क्योंकि आप जब दूसरे बिजनेसमैन के प्रोडक्ट को ब्रांड बना सकते हैं, तो अपनी कंपनी को ब्रांड क्यों नहीं बना सकते हैं। आपको ये भी तय करना होगा कि आप कितनी बड़ी PR एजेंसी की शुरुआत कर सकते हैं, यानी आपके पास इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी इन्वेस्ट कैपेसिटी अर्थात पूंजी खर्च करने की क्षमता है। इसके लिए आपको PR एजेंसी पर होने वाले खर्च और अपनी क्षमता को देखना होगा और उसके बाद ही विचार करना होगा। आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ये तय करना होगा कि आपकी मार्केट कौन सी होगी, यानी आपके ग्राहक कौन से होंगे। क्योंकि सारी दुनिया पर फोकस करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप किसी खास सेक्टर का चुनाव करके उसे ही फोकस करें। ये सेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको अच्छी जानकारी हो। आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले बाजार के कंपटीशन को देखना होगा। कंपटीशन के बीच में बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले चार्ज के बारे में सोचना होगा। आपके कंपटीटर वर्षों से जमे जमाए हैं, उनकी अपनी अच्छी खासी रेपो भी है। आप उनके मुकाबले में नए नए बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, आपको अपनी मार्केट भी बनानी है। इन सभी बातों को देखते हुए चार्ज तय करने होंगे। काम शुरू करने के लिए आप कम से कम चार्ज रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप कंपटीशन के चक्कर में इतने कम चार्ज भी ना रखें कि आपका खर्च भी ना निकल पाए। इस ओर सतर्कता बरतनी होगी। PR एजेंसी शुरू करने में कौन कौन से खर्च आते हैं? PR एजेंसी शुरू करने के लिए होने वाले अधिकांश खर्चे आपके दिमाग में योजना बनाते समय आ गए होंगे। शुरुआत में तो आप इन खर्चों में काफी बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि PR एजेंसी शुरू करने के लिए बहुत सारे जरूरी उपकरण आपके पास पहले से ही मौजूद होंगे। घर का कमरा जहां से ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट आदि घर में ही मौजूद रहते हैं। इसके बावजूद आपको कई तरह के खर्च करने होंगे, जो इस प्रकार हैं। ग्राफिक डिजाइनर का खर्चा करना होगा, क्योंकि आपको अपनी एजेंसी को शुरू करने और उसको आगे बढ़ाने के लिए अपनी एजेंसी का लोगो बनवाना होगा। इसमें खास फॉन्ट्स, खास कलर और कुल मिलाकर आपके द्वारा किए जाने वाले बिजनेस कम्युनिकेशन को आकर्षक बनाने वाला होना चाहिए। इसके अलावा आपको प्रिंटिंग कार्ड्स, लेटर हेड, लिफाफे के साथ सेल्स और मार्केटिंग मटेरियल्स भी तैयार करने होंगे।
आज का जमाना पूरी तरह से डिजिटल हो गया है, तो आपको अपनी पीआर एजेंसी के प्रचार के लिए वेबसाइट बनवानी होगी और उसको ऑपरेट भी करना होगा। अपनी वेबसाइट को आपको ऑपरेट करना होगा क्योंकि आपको डिजिटल प्रोडक्शन के बारे में अच्छी नॉलेज होगी और इससे आपको अपने क्लाइंट से डील करने में भी सुविधा होगी। कॉपीराइटर की भी जरूरत होगी क्योंकि आपको किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उसके सेल्स और मार्केटिंग के राइटअप्स भी तैयार करने होंगे। आपके राइटअप इतने आकर्षक होने चाहिए कि मीडिया तुरंत उनको अपने इस्तेमाल में ले ले। आपको अपने बिजनेस की पहचान दिलाने और क्लाइंट से संपर्क करने के लिए विभिन्न व्यापारिक संगठनों और नेटवर्क संगठनों से जुड़ना होगा और उनके द्वारा तय की गई सदस्यता शुल्क भी देना होगा। पीआर एजेंसी चलाने के खर्च क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आपको अपने ऑफिस मेंटेन करने का खर्च करना होगा। कम से कम 3 लोगों का स्टाफ भी रखना होगा, जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर और एक रिसेप्शनिस्ट और एक सहायक भी जरूरी है। इनकी सैलरी देनी होगी। ऑफिस की बिजली, पानी, स्टेशनरी, इंटरनेट, मोबाइल रिचार्ज आदि का खर्च करना होगा। क्लाइंट मीटिंग के खर्चे में आपको इंडस्ट्री के पब्लिकेशंस में विज्ञापन प्रकाशित करवाना होगा, उसका खर्च और संभावित ग्राहकों के साथ मीटिंग के लिए यदि आपके पास जगह है तो ठीक है, या आपका क्लाइंट उसकी व्यवस्था करता है तो भी ठीक है। अन्यथा इस तरह की बिजनेस मीटिंग के लिए किसी होटल की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। मीटिंग के दौरान जलपान या लंच आदि की भी व्यवस्था करनी पड़ सकती है, उसका भी खर्च करना होगा। क्लाइंट से संबंध मजबूत करने का खर्च। आपको अपने क्लाइंट से रिलेशन बनाने के लिए कई तरह के खर्चे करने पड़ सकते हैं, जैसे उनका मनोरंजन करने के कार्यक्रमों का आयोजन करना पड़ सकता है। विशेष अवसरों जैसे न्यू ईयर, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बैसाखी और क्रिसमस डे आदि पर गिफ्ट कार्ड अथवा गिफ्ट भी देना होगा। इसके अलावा क्लाइंट से रिलेशन बनाने के लिए भाग दौड़ करने और अन्य तरह के खर्चे भी उठाने पड़ सकते हैं। एक्सपर्ट स्टाफ का खर्च। इस तरह का खर्च शुरू शुरू में तो बचाया जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एजेंसी की लोकप्रियता बढ़ेगी तो अनेक प्रकार के क्लाइंट आपके पास सेवाएं लेने के लिए आएंगे। उस समय आपको अधिक से अधिक ग्राहकों को सेवाएं देनी होगी। इसके लिए आपको विभिन्न सेक्टरों के अनुभवी एक्सपर्ट की सेवाएं लेनी होगी। उसके लिए आपको पैसा खर्च करना होगा। इन एक्सपर्ट लोगों को हायर करते समय ये अवश्य तय करना होगा कि ये रीअसेट ओरिएंटेड जॉब है। जितना अधिक लाभ दिलवाओगे उतना ही अधिक आपको हिस्सा मिलेगा। मीडिया हाउस से रिलेशन बनाने का खर्च। जिस तरह से आप अपने क्लाइंट पर खर्च करेंगे उसी तरह से आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से भी रिलेशन बनाने होंगे जो आपके बिजनेस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करेंगे, आपके प्रोडक्ट या सर्विस से संबंधित लेख आदि प्रचार सामग्री प्रकाशित करेंगे जिससे आपको भविष्य में लाभ मिलने वाला है। इस तरह के मीडिया हाउस को आपको एंटरटेन करना होगा। विशेष अवसरों पर गिफ्ट, लंच आदि की व्यवस्था करनी होगी। कौन कौन से लाइसेंस चाहिए? पीआर एजेंसी का बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आपको अपनी एजेंसी कंपनी का अच्छा सा नाम चुनना होगा। आपको अपनी एजेंसी कंपनी का कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय से शॉप एक्ट के तहत रजिस्टर कराना होगा। यदि आप ऑनलाइन भी काम करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन के समय आपको इसका उल्लेख करना होगा। ऑनलाइन बिजनेस के लिए आपको अपनी कंपनी एजेंसी के नाम का एक डोमेन भी लेना होगा। कंपनी का प्रारूप तय करें, सोल प्रोप्राइटरशिप, ओपीसी, पार्टनरशिप, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से एक को चुनना होगा और रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रेशन के समय इस बात का जिक्र करना होगा। चूंकि आप सेवाएं देकर लाभ कमाने जा रहे हैं इसके लिए आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। लोकल अथॉरिटी से बिजनेस लाइसेंस लेना होगा। कितनी लागत आ सकती है? घर से शुरू की जा सकने वाली छोटे लेवल के पीआर एजेंसी के बिजनेस में अधिक लागत नहीं आती है। इस तरह की एजेंसी 50,000 रुपए में शुरू की जा सकती है। बड़े लेवल की कंपनी शुरू करने में अच्छी खासी लागत आती है। प्राइम लोकेशन पर एयर कंडीशन ऑफिस बनाना होता है, बिजली पानी आदि का खर्च आता है, कई कर्मचारी रखने पड़ते हैं और उनकी सैलरी देनी होती है, स्टेशनरी, क्लाइंट एंटरटेनमेंट, मीडिया एंटरटेनमेंट, एक्सपर्ट की सर्विस आदि पर खर्च करना होता है। इस तरह के बिजनेस को शुरू करने में 5 से 7 लाख रुपए खर्च आता है। ये शहर और ऑफिस की लोकेशन के आधार पर कम या ज्यादा भी हो सकता है। मुनाफा कितने तक हो जाता है? पीआर एजेंसी के मुनाफे के बारे में जैसे पहले ही बता दिया गया है, 6 माह तक कोई आमदनी की संभावना नहीं होती। उसके बाद काम मिलना शुरू होता है जिसमें लागत अधिक होती है और चार्ज कम होते हैं। ऐसी स्थिति में पहले साल तो मुनाफा ना ही समझें, फिर भी कोई मुनाफा मिल जाए तो उसे आप बोनस ही समझ लीजिए। वैसे जानकार लोगों का मानना है कि शुरू शुरू में यदि बिजनेस अच्छे स्किल और अधिक बचत के साथ काम करता है तो उसे 20 से 25% तक लाभ हो सकता है। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता जाता है और अनुभव बढ़ता जाता है वैसे वैसे मुनाफा भी बढ़ने लगता है। ये मुनाफा 40 से 50% तक पहुंच सकता है। पीआर एजेंसी के लिए आपको मार्केटिंग भी करनी होगी। उसके लिए आप सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म कॉल कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।